दोनों जहां, इश्क है मेरा लाफना, मिन्नते मेरी जाया ना हो, यूं लबों पे हो नाम तेरा। क्या हो मेरे तुम, ये दिल का इट्स अ रियली बिग प्लेटफॉर्म बिकॉज ये जो म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ है वो टी सीरीज के कंपनी से रिलीज हुआ है। टी सीरीज कंपनी से रिलीज हुआ है, सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डूइंग अ म्यूजिक वीडियो, पहली बार कर रही हैं? दिस इज माय फर्स्ट म्यूजिक एल्बम वीडियो, यस। यू हैव बीन मिस डिवा आल्सो, उसके बारे में बताइए कैसा अनुभव था और उसके लिए कितनी प्राउड फील कर रही हैं? Yeah, I mean recently it happened and I'm really happy for it. And so yeah, this is the second, you can say. So I'm really happy back to back things and yeah, few more to come. So yeah. अमित जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस म्यूजिक वीडियो के बारे में, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए और टी सीरीज जब रिलीज कर दी तो बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसकी जो टीम है पूरी लाफना की, वो बहुत ही, इनके डायरेक्टर से लेके म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सभी लोग मतलब बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और साथ में आविया जुड़ गई तो और मज़ा आ गया। हमारा प्रोजेक्ट एक डिफरेंट लेवल पे आ गया और फिर आविया जब भी इसमें एक्ट के लिए एक्चुअली आए थे, फिर मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मुझे आवाज़ इनकी बहुत अच्छी लगी, तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना, मैं खुद गा रहा हूँ, मैं खुद फीचर हो रहा हूँ, तो क्यों ना आविया की वॉइस हम ट्राई करें इसमें। तो हमने आविया को ट्राई किया इसमें, आविया ने गाया और बहुत ही खूबसूरत गाया, तो फिर हमने आविया का वॉइस इसमें फाइनल रखा। तो अमर जी, आपके जानना चाहूंगा कि प्रोफेशनली मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी करियर की और अभी तक जो भी आपने किया उसके बारे में कुछ थे? शुरुआत एज ए साउंड इंजीनियर मैंने किया अपना करियर, मतलब मैंने लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर, पुराने से लेके नए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेके बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, इस्माइल दरबार, इन सबके साथ काम किया। तो उन सबके साथ काम करने का और लगभग बॉलीवुड के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स तो थे ही, साथ में सिंगर्स के साथ भी काम किया, तो सबकी एक अलग अलग टेक्निक है सिंगिंग की। तो उन सबसे कुछ ना कुछ सीखते आए इतने साल, तो अब जाके मतलब मैं भी सिंगिंग करता ही हूँ और सीख ही रहा हूँ, तो उस सबसे काफ़ी मेरे म्यूज़िक वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं। इस लास्ट वीडियो मेरा जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ था, कुछ एक वीनस से रिलीज़ हुआ जो कि दुबई में पूरा शूट किया था हमने, फिर एक रितु पाठक के साथ ड्यूट किया, ममता शर्मा के साथ ड्यूट हुआ, हंगामा ने रिलीज़ किया वो, तो ऐसे काफ़ी भी म्यूज़िक वीडियो है, लेकिन ये म्यूज़िक वीडियो जो हमारा हुआ है ये मतलब सबसे ऊपर है, अब तक का बेस्ट म्यूज़िक वीडियो मैं बोल सकता हूँ, डायरेक्शन वाइज, वीडियो वाइज, ऑडियो वाइज, सिंगिंग वाइज। तो अमित जी, आज के दौर में जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सिनेरियो है उसमें कितना ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक आर्टिस्ट को अपने एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब सिंगल्स पहले, सिंगल्स के जरिए जो लोगों को अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिल रहा है और म्यूज़िक कंपनीज भी सपोर्ट कर रही हैं, उसमें टी सीरीज़ है, टी सीरीज़ ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हमें और काफ़ी अच्छे से प्रमोट भी कर रही हैं सॉन्ग को हमारे, तो आई एम वेरी हैप्पी के दैट। तो अब इस सिंगिंग की शुरुआत की, क्या कहना चाहेंगे आगे चल के किस तरह से एस्टैब्लिश होना चाहती है, सिंगर, एक्ट्रेस, यू नो, मल्टी टैलेंटेड है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा? मेरे ख्याल से ये सिंगिंग हुआ, एक्टिंग हुई या जो भी चीज़ है, मेरे ख्याल से ये सब आर्ट से बिलोंग होता है और मेरे ख्याल से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो उसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो कुछ ना कुछ करते रहिए और यू नेवर नो अबाउट योर डेस्टिनी, सो कीप ट्राइंग एंड एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। तो इन द फ्यूचर व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू डू? आई मीन बहुत सारे एस्पेक्ट, मीडियम से वेब शोज एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है, तो किस तरह के शो करना चाहेंगे, किस तरह? वेब शोज नॉट रियली, बिकॉज़ आई थिंक जो वेब शोज में आजकल चीजें दिखाई जाती है, दर्शाई जाती हैं, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे न्यूडिटी दर्शाता है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आज के जो युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर करें तो अच्छा स्क्रिप्ट देख के या अच्छा कैरेक्टर देख के करें, और मैं न्यूडिटी को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहती, तो मेरे ख्याल से लोगों को अगर एक्टिंग करनी है तो वो एक सही तरीके से और सही माध्यम से और सही प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। तो आर यू लुकिंग फॉर एनी स्क्रिप्ट, एनी फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट यू लुकिंग फॉर? आई मीन यस, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर एंड आई एम आल्सो वर्किंग फॉर,
अभी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मैं अभी बहुत जल्द होगा उसके बारे में बात करना, कुछ सिंगल्स भी हैं और कुछ फिल्म्स के लिए भी मैंने गाया है, एक फिल्म है जिसमें 5 गाने गाए हैं मैंने, लेकिन अभी मैं उसका नाम अभी शो नहीं करूँगा जब तक, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ, आविया गुप्ता जी, आमिर भाई जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, इज़ अ वेरी गुड साउंड इंजीनियर जिन्होंने इंडस्ट्री के हर बड़े मैं मानूंगा कि कंपोजर और सिंगर के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली इनका म्यूज़िक के प्रति जो प्रेम है वो डेफिनेटली इन्होंने पूरा निचोड़ इस गाने में डाल दिया है, जैसा कि मैंने गाना सुना है और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना इन्होंने गाया है और साथ ही साथ परफॉर्म किया है, तो एक बहुत ही कमाल की बात है। सो ये दोनों ही टैलेंट इन्होंने, मतलब मल्टीटास्कर हमें मल्टी टैलेंटेड इन्हें हम कह सकते हैं ना, और यही चीज़ मैं आविया के लिए भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने भी इस गाने में परफॉर्म भी किया है साथ साथ इन्होंने गाया भी है। और जहाँ तक के डायरेक्शन की बात है तो आज़ाद भाई ने बहुत ही कमाल का इसे डायरेक्ट किया है। सो ये पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आएगा। इस गाने का नाम है ला फना, बिल्कुल देखे इसे, टी सीरीज का ये गाना है और ये बिल्कुल ही धूम मचाने वाला है। और आगे मैं और भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पूरी टीम को कि आगे भी इसी तरीके के और भी खूबसूरत से एल्बम हमारे लिए रिलीज करते रहे। आजाद भाई बड़े शर्माते हैं बट आज हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, आज इन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अपने आर्टिस्ट का नाम बताइए, क्या कहना चाहते हो, क्या क्वालिटीज अच्छी लगी आपको, आपने का लिया उनको कुछ क्वालिटीज देख के लिया होगा, क्या क्वालिटीज देख के लिया है? अबे पीछे गाना अच्छा लगा और बस ये के बस बहुत हार्ड वर्किंग है आमिर भाई, तो मैं भी इनके साथ में बेच देने की कोशिश किया। बिल्कुल मैं इनकी बात को कंप्लीट करूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है दोनों, क्योंकि आजाद भाई मुझे हमेशा बताते रहते हैं इन दोनों के बारे में और जिस सर्कमस्टेंसेस में इन्होंने शूट किया है और जितनी शिद्दत से जितनी मेहनत से शूट किया है कि यू नो दिन रात जो लगी उन्होंने किया, उन्होंने अपना काम 100% दिया है। सो बिल्कुल आजाद भाई बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं इन दोनों के ऊपर, यही आजाद भाई कहना चाह रहे हैं हमारे। मैम आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? My name is Priya Rao and आजाद सर काफी अच्छे मेरे फ्रेंड हैं and मैं पर्सनली इन दोनों आर्टिस्ट को जानती नहीं हूँ, बस आई जस्ट केम फर्स्ट टाइम हियर, सो आई हैव सीन दैट सॉन्ग दैट इज वेरी नाइस एंड गुड लक फॉर बोथ ऑफ यू आजाद सर, आई एम ऑन दिस विद यू एंड मैं सर के साथ कुछ काम करूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होना। थैंक्स ऑल ऑफ यू।